यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है। बताते चले कि यूपी के समस्त कारागार में निरुद्ध बंदियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला कारागार फतेहगढ़ में ODOP योजना के अंतर्गत बंदियों की रुचि के अनुसार रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। कारागार में बंदियों द्वारा कास्ट एवं लौह कला के अंतर्गत नमूने के तौर पर बनाए गए गार्डन, सोफा सेट, स्थानीय प्रतिष्ठित फर्नीचर शोरूम के माध्यम से बिक्री कराने की सहमति दी। जिला कारागार फतेहगढ़ में पूर्व से संचालित मोटर वाइंडिंग कौशल विकास केंद्र, सिलाई केंद्र और कास्ट कला प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। यहाँ पर महिला बंदियों को भी रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए महिला बैरक की सभी महिला बंदियों से साक्षात्कार किया गया। 8 महिला बंदियों निर्मला, अनुजा, सरिता, रूबी, यास्मीन आदि का चयन सिलाई प्रशिक्षण के लिए किया गया। साथ ही सोनाली सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग एवं जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद द्वारा जेल में संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान सोनाली सिंह ने महिला बंदियों को प्रोत्साहित किया। कास्ट कला प्रशिक्षण के अंतर्गत बंदियों को कुल्हड़ और घड़ा बनाने का प्रशिक्षण देने की कार योजना को मूर्त रूप से देने की सहमति बनी। प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक चाक जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात कही गई। कारगर में बंदियों द्वारा कास्ट एवं लौह कला के अंतर्गत नमूने के तौर पर बनाए गए गार्डन सोफा सेट को देखा और उसकी प्रशंसा की। साथ ही स्थानीय प्रतिष्ठित फर्नीचर शोरूम के माध्यम से बिक्री कराने की सहमति दी। उन्होंने कारागार भोजनालय का भी निरीक्षण किया। भोजन बनाने के तरीके और साफ सफाई की भी उन्होंने प्रशंसा की। फर्रुखाबाद से संवाददाता समीउल्लाह खान की।